हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सुबह सुबह का मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और मैं लग गई हूँ अपने कामों में, आप लोग देख सकते होगे। नवरात्रि के मुझे कन्या पूजन करना था, उसके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो। पहले मैंने चना उबाला, फिर सबसे पहले तो मैं फ्रेश होती हूँ क्योंकि मेरा फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, कहीं में से कुछ काम होता है। फिर मैंने फटाफट पोछा लगाया क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले पोछा लगाना चाहिए। चना और आलू इसीलिए मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि वो बहुत लेट होते हैं, मेरे पास कुकर नहीं है। तो मैंने चूल्हा वाला तो साफ ही था क्योंकि हम प्याज लहसुन तो पहले ही से छोड़ रखे थे, तो सब कुछ क्लीन ही था। बस ये है कि पोछा लगाना बनता है, तो वही पोछा लगाया मैंने। झाड़ू दिखाया आपको, तो मैंने कट कर करके दिखाई थी सीन क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 3 बजे उठ गई थी रात के, क्योंकि कन्या पूजन करते समय कन्याएं मिलती नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बना ली। तो मेरे ये रेगुलर काम है, मैं वही दिखा रही हूँ आप लोग को। मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर अब फर्श मुझे धोना है। तो आप तो देख सकते हो मैं फर्श धो रही हूँ। तो फर्श धोने के बाद मैंने कई ऐसे काम किए जो कि आप लोग को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। फर्श में पानी मार के मैंने उसको अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा भी लिया मैंने। मैं कह रही हूँ आपको, कट कर करके वीडियो दिखा रही हूँ, तो मैंने मतलब फटाफट सब काम कर ली। तो मेरा चना भी उबल गया था अच्छे से, आप लोग देख सकते होगे चना आलू। बाकी उसको मुझे बनाना है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को सब देखने को मिलेगा कि मतलब मैंने कन्याओं को भोजन करवाने के लिए प्रसाद, मतलब प्रसाद ही बोल सकते हैं एक तरफ से, कैसे बनाया। तो मैंने फैन चढ़ाया, फैन में मैंने दूध डाला, दूध डाला, फिर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दूध डाला है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मोबाइल ऐसे ही रख दिया है मैंने। दूध डाल दिया मैंने क्योंकि इतना जल्दी हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत जल्दी हो रहा था, मतलब इतना मैं मतलब सोच नहीं सकते हो आप लोग कि मैं कितना वो हो गई थी। तो मैंने दूध डाल दिया है, दूध डालने के बाद पानी डाल रही हूँ क्योंकि इतना दूध हो नहीं पाएगा। 3 पैकेट मैंने डाल दिया ऑलरेडी, और 2 ग्लास मैंने पानी डाला है खीर बनाने के लिए। तो अब मैं सबसे पहले मतलब खीर के लिए चावल को मैं धोऊंगी, अच्छे से साफ करूंगी। धोने के बाद उसको मैं थोड़ा सा, ये मेरा यूनिक है, मैं अलग टाइप का बना रही हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा भून लिया है धीमी आंच में, ताकि मतलब खीर बनाओ ना तो मतलब उसके आगे टुकड़े हो जाए तो वो मतलब अच्छा लगता है, और खड़े खड़े चावल दिखते हैं तो फिर अजीब सा लगता है। तो और बाकी थोड़ा सा मैंने गिलास में मतलब आधा गिलास मैंने चावल को भिगो लिया था। चावल को भिगोने के बाद खीर में डालेंगे ना दोनों मिक्स करके, तो बहुत मस्त खीर बनता है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने गिलास में चावल को भिगो लिया अच्छे से ताकि वो भीग जाए तो वो भी टूट सके, क्योंकि हमें टूटा हुआ चावल डालना है। तो अब मैं आलू छील ली हूँ, तो अब मुझे बनाना है सब्जी, जो कि अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, मतलब फ़ोन ऐसे में कहीं पे भी रख देती, कुछ पता नहीं चल रहा था। सुबह का टाइम था, कोई भी नहीं उठा था, मैं ही अकेले उठी थी, बाबू और मेरे हस्बैंड सो रहे थे। बाकी मैं उठ के फटाफट अपना सारा काम, अब मैं मसाला निकाल रही हूँ, मसाला निकाल लिया है मैंने। मसाला वही जो रेगुलर यूज होते हैं, और तेल डाला है मैंने। आप मसाले में ले सकते हो हल्दी, मिर्च। अब मैं तड़का लगा रही हूँ जीरे से, जीरे के बाद मैंने हल्का सा खड़ा धनिया यूज किया है क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना। हम प्याज लहसुन तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्रसाद बन रहा है, तो इसी बार मैंने 2 मेथी डाल दी है, इसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैंने मसाला ऐड कर दिया, जैसे मैंने मसाले में बताया आप लोगों की हरी हरी मतलब मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, बाकी ये सब यूज करके मैंने चना को भी डाल दिया है। और इसको एक बार हम ढक देंगे, ढकने के बाद ये चना मस्त करके मतलब हो जाएगा ना, उबल तो ही बढ़िया से गई है, लेकिन चना आलू में डालना, पहले पहले चना डालना, चना को अच्छे से मतलब पकने देना थोड़ा सा, क्योंकि आलू तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, उसमें खाली मतलब मसाले मिक्स होने की ज़रूरत है।
वो तुरंत हो जाता है। तो मैंने देख सकते हो ढक दिया है मैंने, क्योंकि मैं हल्का सा चना भून रही हूँ। और इसको मैंने जो आपको दिखाया था, मैंने जो मैंने चावल भिगोए थे खीर के लिए, वो मैंने कुटनी में कूट लिया है, जिसे ओखली बोल सकते हो आप। इसमें मैंने कूट लिया है, जो कि वो टूट गए थे चावल पूरे, तो मेरा खीर भी बन रहा है। और इधर चने भी भुन गए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद, क्योंकि मतलब बाकी अच्छे से साथ मतलब सब्ज़ी अच्छा बन के तैयार हो जाए, तो पानी डाल दिया है मैंने। पानी डालने के बाद अब बारी है आलू डालने की, तो आलू भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हमारा सब्जी बिल्कुल तैयार है, बस थोड़ी सी पकने की देरी है। आप लोग देख लेना कि ये कितना अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सब्जी बन के कितना मस्त तैयार है, जैसे कि आप लोग कहीं रेस्टोरेंट में खाते हैं या बनाने सोचते हैं वैसा। तो आलू की सब्जी हमारी तैयार है बन के। अब हम बना रहे हैं हलवा, तो उसके लिए मेरे पास घी नहीं था, तो मैंने रिफाइंड का यूज किया है। तो मैंने रिफाइंड ढेर सारा यूज किया और उसमें मैंने हलवा सूजी डाल दिया। सूजी डालने के बाद मैं मतलब सूजी को अच्छे से भून रही हूँ, तो हमारा सूजी बढ़िया से भुन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सूजी में कलर आ चुका है। उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया है। मैंने इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है, क्योंकि मैंने डाला जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि मेरे पास था भी नहीं, खाली बादाम रखे हुए थे मेरे पास, और ऐसा कुछ था भी नहीं, तो मैंने यूज ही नहीं किया, मतलब ऐसे नॉर्मली। लेकिन बहुत अच्छा बना था, बच्चे बहुत तारीफ कर रहे थे। तो अब इसमें बारी है चीनी ऐड करने का, तो मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। आप लोग देख सकते होगा, बाबू भी हमारा उठ गया है और हस्बैंड इस समय काम पे चले गए थे, क्योंकि 6 बजे उनकी ड्यूटी है, तो वो काम पे चले गए। तो अब मैंने आटा निकाल लिया है, आटा मैंने रिफाइंड ऐड किया। ये वीडियो यहीं पर एंड। आप लोगों को